वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल सूट की कटिंग। आज मेरे चैनल की ये पहली वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे ही सिलाई की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं सिंपल सूट की कटिंग। इसमें ये मोती दिए गए हैं तो इनको हम बीच में रखेंगे और जो इसमें ये प्लेन कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। अच्छे से हम इसको सेट कर लेते हैं कपड़े को। ये हमने अपने कपड़े को सेट कर लिया है। तो हमें सबसे पहले देखना है जितनी लंबाई लेनी है सूट की, पहले लंबाई लेनी है हमें ये 42 इंच का तैयार रखना है। तो इसका हम नीचे का मार्जिन अलग लेंगे, इसकी लंबाई इतनी है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे और ऊपर आधा इंच छोड़ के, दबाने का छोड़ के ही हमें लंबाई लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ से 6.5 लेंगे, 40 से नीचे की जितनी भी छाती वाले हैं उनकी हम यहाँ से 6.5 ही लेंगे और यहाँ से हम 7 लेंगे। ये है हमारा तीरा शोल्डर और यहाँ से हम लेंगे आर्म होल। इसको बहुत से मुड़ा भी बोलते हैं। 7 लेंगे, अगर हम ऊपर का आधा इंच छोड़ के लेंगे तो इसको भी हम 6.5 यहाँ से, 6.5 यहाँ से, ऊपर का छोड़ के लेंगे तो 6.5, अगर ऊपर से पूरा लेंगे तो 7। अब हमें यहाँ पे लेना है छाती का निशान। छाती का निशान हम लेंगे जितनी भी, जैसे मेरे को लेनी है अभी ये 36 इंच की छाती तैयार रखनी है, 35 रखनी है। तो 35 रखने के लिए यहाँ से लेंगे तो हम 34, 8.5 तो 34, 8.5 और 9 के हम बीच में लेंगे, पूरा 9 नहीं लेंगे, 9 ले लिया तो 36 हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे लेंगे जो हमारा ये आर्मोल है, इससे हम 2 या 2.5 इंच नीचे लेंगे छाती का अपना निशान। और हमें मार्जिन मर्जी है भाई, 2 इंच 2.5 इंच जितना भी अंदर कपड़ा चाहते हैं भाई, कोई ज़्यादा चाहता है कोई कम, तो उसके हिसाब से हम 2 या 2.5 इंच मार्जिन छोड़ लेंगे। उसके बाद देखो सबसे मतलब फिटिंग, परफेक्ट फिटिंग बैठने का एक तरीका है। कोई तो लेते हैं यहाँ से 6.5 7 यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से कमर फिर उसके नीचे से यहीं पे 7 7 पे 6.5 6.5 पे लेते हैं कमर और चाक। ऐसा बिल्कुल गलत है, इससे परफेक्ट फिटिंग नहीं बैठती। परफेक्ट फिटिंग बैठने का एक तरीका है, जब हम किसी का नाप ले रहे हैं तो उसके शोल्डर से नाप लेंगे, जितनी भी उसकी कमर है भाई, किसी की कमर 13 पे आती है, किसी 12 पे, किसी की 14 पे, 15 16 तक भी कमर आती है, तो सबका कमर अलग अलग का निशान है, सबका अलग अलग का। जब हम इंसान का नाप ले रहे हैं तो तभी ले लेंगे ये नाप, कमर का भी चाक का भी, ऐसे नहीं लेंगे कि 6.5 6.5, बिल्कुल गलत है ये। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ेंगे हम, इंची टेप नीचे रखेंगे आधा इंच, ऊपर से छोड़ेंगे आधा इंच, तब लेंगे हम कमर और चाक, ठीक है। जैसे जिसका ये नाप है उसकी कमर है 14.5 पे कमर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 14.5 पे लेंगे निशान, ऊपर से आधा इंच जरूर छोड़ना है, ये दब जाएगा। उसके बाद चाक है 21.5, तो यहाँ पे 21.5 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कमर देखेंगे, कमर है 31, तो देखो 8 से थोड़ा सा कम, 7.5 से और 7.5 और 8 के बीच में लेंगे हम, 8 ले जाए तो 32 हो जाएगा, तो हमें लेना है 31, 2 इंच मार्जिन। फिर हमें देखना है हिप कितनी है, हिप है भाई 20, तो 10 लेंगे मार्जिन, 2 इंच
दो इंच हमने मार्जिन ले लिया है, देखो दो दो इंच ले लिया है। छाती का कितनी थी, छाती 35, तो 35 का हमने लिया है चौथा भाग, कमर का लिया है चौथा भाग, और हिप लेंगे हम, अगर चारों तरफ से ले रखी है जैसे 40 है तो 40 का भी यहाँ पे चौथा भाग, अगर मैंने यहाँ पे 20 लिख रखा है तो 20 का दूसरा भाग, ठीक है। अब इनको हम मिला देते हैं, मिलाना कैसे है, ऐसे इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, ठीक है, और इसकी देंगे हम गोलाई, पहले हम हल्की गोलाई देंगे, बाद में इसकी डीप गोलाई होगी आगे वाले हिस्से की, अभी हम हल्की सी गोलाई देंगे, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। अभी जितनी हिप है उतनी ही हमें झोली लेनी है, जैसे 10 ली थी तो यहाँ पे भी 10 लेना है, हल्की सी आधा इंच ज्यादा करना चाहो तो कर लो, किसी को थोड़ी झोली कम पसंद है किसी को ज्यादा, इसको भी हम मिला देंगे सीधा सीधा मिला देंगे। अब इसकी करनी है कटिंग, यहां से थोड़ा सा कट लगा देंगे, ये हमारा है सिलाई का निशान, इसको हम अभी नहीं मिलाएंगे, इसको बाद में मिलाएंगे जिससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये थी हमारे सूट की फ्रंट कटिंग, अब हम करते हैं इसकी बैक कटिंग। ये हमारे सूट का बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम कैसे बिछाएंगे, हिप देख लेंगे, 10 हिप थी, 2 इंच मार्जिन था, तो इसमें हमारा सूट परफेक्ट बैठेगा, तो अब हम सूट को इसके ऊपर रखते हैं, इसको अच्छे से इसके ऊपर बैठा लेंगे। जो हमारा बैक पार्ट कपड़ा था हमने फ्रंट को उसके ऊपर रख लिया है, और इसकी ऐसे इसके ऊपर रखा है, इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट वाले हिस्से की डीप कटिंग, आर्मोल की, आर्मोल की डीप कटिंग कैसे करनी है, इसे आधा इंच हम और काट देंगे इसको, पहले जो हमने इसकी कटिंग की थी यहाँ से, तो इसको हमने लगभग 1 इंच घुमाया था, यहाँ से 1 इंच घुमाया था, अभी हमने इसका आधा इंच और घुमाया है, तो लगभग इससे आधा इंच और, ठीक है। अभी पीछे वाले गले की कटिंग करनी है, जितने भी हमें गले की पीछे वाला डीप जितना भी रखना है उतना हम रख लेंगे, इसमें मेरे को रखना है 4 इंच, तो आधा इंच मैं ऊपर के लिए ले लेती हूँ, तो इसका 4 से 4.5 ले लिया है, आधा इंच ऊपर दबेगा तो ये 4 ही बचेगा, 2.5 इंच हमें लेना है इसकी चौड़ाई, 2.5 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई हमें गला रखना है, 2.5 इंच ही रखेंगे हम सभी का। अब इसकी अच्छे से गोलाई ले लेंगे, गोलाई हमें कितनी लेनी है अभी देख लेंगे हम, कितनी गोलाई लेनी है, लगभग 1 इंच, ठीक है, 1 इंच पे गोल घुमाना है। ये हो गई है सूट की कटिंग, अब हम करते हैं बाजू की कटिंग। सूट कटिंग के बाद हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें बनाएंगे हम बाजू। बाजू के लिए हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे,
हम देखेंगे कि हमें आर्मोल कितना चाहिए हमारा बाजू का, तो हमें 8 इंच चाहिए, तो 8 के बाद हमें थोड़ा मार्जिन भी चाहिए 1 या 1.5 इंच का, तो हमें इतना कपड़ा रखना ठीक है। हम इसको पहले ऐसे नाप के देख लेंगे कितना चाहिए कपड़ा, अगर हमें लग रहा था तो थोड़ा और बढ़ा लेंगे, लेकिन हमें इतना चाहिए तो यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें बाजू कितने इंच की चाहिए। बाजू चाहिए हमें 16 इंच के तैयार, तो हम देखेंगे इसको, तो हम कर देंगे कटिंग यहाँ से। इसके बाद हम 1.5 या 2 इंच नीचे से बाजू का मोड़ने का लेंगे, मोहरी से मोड़ने का। उसके बाद हम लेंगे 16 इंच की बाजू तैयार, और 1/2 इंच हम लेंगे ऊपर से दब जाएगा, तो हम ले लेंगे 16.5। उसके बाद हमें 8 इंच का यहाँ पे अपना आर्मोल चाहिए, और 1.5 इंच हमें मार्जिन भी चाहिए। तो हमें मोहरी चाहिए 5 इंच, और यहाँ पे भी हमें 1 या 1.5 इंच मार्जिन। उसके बाद हम यहाँ से मिला लेंगे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ आर्मोल की ऐसे कटिंग, तो ये देखते हैं हम कटिंग कैसे करेंगे। जैसे हमारी यहाँ से सीधा कहाँ पे आ रहा है, उससे 3 इंच हम लेंगे अंदर की तरफ, और ऊपर से हम आधा घुमाएंगे। जैसे कितना है ये हमारा है, यहाँ से लेंगे जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, लगभग है 8.5, तो 8.5 का हम आधा लेंगे, ठीक है। आधे यहाँ से हम इसको ऐसे घुमाएंगे डीप ऐसे, तो हमारी शेप कुछ ऐसे आएगी। इसको हम कटिंग करेंगे, और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा जोड़। जोड़ कैसे लगाएंगे वो भी हम देखेंगे। ये है बाजू, इसमें थोड़ा सा जोड़ आएगा, ये जोड़ दिखेगा तो नहीं, सिलाई यहीं पे आएगी। यहाँ पे थोड़ा जोड़ लगाना है, तो जोड़ कैसे लगाएंगे, कपड़ा लेंगे सीधा डबल, और उसको रखेंगे ऐसे, दबाने का भी हम साथ साथ रख लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे ही कट कर देंगे जैसे कि बाजू है। ये यहाँ पे लगे सूट कटिंग के बाद हमारा ये कपड़ा बचा है, हमने बाजू भी कटिंग कर ली है, सूट की भी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसमें से बनाएंगे अपने गले, और निकालेंगे नीचे की पट्टी जो हमारी इसमें पड़ी थी नीचे कम। इसकी लंबाई ही इतनी थी कि जितनी तैयार रखनी है, तो हमें नीचे मोड़ने का कपड़ा चाहिए, वो वाला कपड़ा हम इसमें से निकालेंगे। 2.5 इंच की पट्टी, 2 आगे की भी पीछे की भी। तो चलो हम पट्टी निकालते हैं अपनी। 20 इंच की हमारी जोली थी, और हमने 2-2 इंच मार्जिन लिया था, मतलब 4 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन। तो हमें कितने इंच की टोटल पट्टी निकालनी है, 24.5, ठीक है, 24-24 पट्टी निकालनी है। कितनी निकालेंगे हम, 3 इंच की निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें अपनी 3 इंच की पट्टी निकालनी है, पूरे पे ऐसे 3-3 का निशान लगाएंगे ताकि पूरी अच्छे से निकले, और हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने नीचे फोल्ड करने वाली पट्टी निकाल ली है, और ये हमारा कपड़ा बचा है गले का, इसमें हम बनाएंगे अपने गले। तो ये हमारे सिंपल सूट की कटिंग पूरी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।